दोस्तों, अगर आप चार धाम की यात्रा में हैं और आपकी अगली यात्रा जो है यमुनोत्री की यात्रा है, तो आपके लिए एक शानदार जगह मैं बताने वाला हूँ। जहाँ दोस्तों, अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जाना होगा बरकोट तक। जहाँ दोस्तों, देहरादून से बरकोट की जो दूरी है वो लगभग 136 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बरकोट की यात्रा कर रहे हैं तो यह दूरी लगभग 190 किलोमीटर की है और इस दूरी को तय करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, आपको बरकोट में स्टे लेना पड़ेगा, तो हम इस वीडियो में आपको बरकोट के सबसे अच्छे कैंप्स के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक जबरदस्त कैंप की। यहां पर आने के बाद आपको एक बेहतरीन व्यू नजर आएगा, एक अच्छा भोजन यहां पर मिलता है, साथ ही साथ जबरदस्त टेंट वाला कमरा आपको यहां पर मिलेगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्राइस क्या है। यमुनोत्री और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री के लिए। बहुत ही भयंकर ज़्यादा भीड़ है, लगभग 6 किलोमीटर तक का यहाँ पर जो है भीड़, जो है गाड़ियों की भीड़ देखने को मिली। और जितनी गाड़ी आ रही है वो सब जो है गंगोत्री जाने के लिए यमुनोत्री से होकर के आ रही है और हम लोग भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि इस कैंप का प्राइस क्या है और इस कैंप को आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ वीडियो के अंत तक। गोल्डन मोमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम अभी हैं निरवना कैंप पर और ये है उत्तरकाशी जिले के बरकोट के आसपास गांव गंगानी में। यह दोस्तों बहुत ही प्यारा और शानदार स्थान है। ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सुसज्जित कैंप यहाँ पर है और इस कैंप पर आप आसानी से नाइट स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, आरामदायक नॉन एसी रूम यहाँ पर है। आसपास का जानदार और शानदार नज़ारा है। सामने यमुना नदी बह रही है। आप अपने टेंट से भी यमुना नदी का आवाज़, आप कलकल की आवाज़ आप यहां पर सुन सकते हैं। तो एक सुंदर सा नज़ारा आपका इंतजार कर रहा है अगर आप यमुनोत्री की यात्रा पर हैं। देखिए यहां पर बहुत सारे रूम है जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। एक रूम में लगभग आराम से 4 आदमी स्टे कर सकते हैं और इसका प्राइस मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सुसज्जित यह कैंप है, यह रूम है और चारों तरफ की खूबसूरती यहाँ की देखते ही बनती है। और देखिए यहाँ पर जो है तमाम वो सुविधा है, जो सुविधा एक यात्री को जी, यहाँ पर एक नंबर भी लिखा है, यहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, नंबर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। जय दोस्तों, यह स्थान है उत्तरकाशी जिले में बरकोट के आसपास और इस गाँव का नाम है गंगानी। देखिए आसपास का सुंदर सा नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, सामने जो है यमुना नदी बहती है, उसका कलकल का आवाज़ आप यहाँ पर आराम से सुन सकते हैं। बरकोट एक बहुत ही फेमस जगह है। आसपास का नज़ारा यहाँ का बहुत ही बेहतरीन होता है। यहाँ के भोजन की मैं जितनी भी तारीफ करूँ, वो भोजन यहाँ पर तारीफ कम है। लाजवाब भोजन यहाँ पर होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है भोजन के लिए भी बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर भोजन भी तैयार किया जाता है।
और यमुनोत्री यात्रा का यह सबसे प्रमुख पड़ाव होता है। आपको बरकोट आकर के ही आप जो है दूसरे स्थान की ओर आगे बढ़ेंगे। जब चार धाम के कपाट खुलते हैं मई में तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन बुकिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बुक करा सकते हैं। और अगर आप यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे हैं तो ये प्रमुख जगह है जहाँ पर आपको यमुनोत्री जाने से पहले स्थान पर रुकना पड़ेगा और वापसी में जब आप यमुनोत्री घूम करके आते हैं तो भी इसी स्थान पर आपको स्टे करना पड़ेगा। और बरकोट में और बहुत सारे यहाँ पर जो है होटल देखने को मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो कैंप है वो केवल निरोना कैंप भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, अब इस स्थान को आप बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे बुक कर सकते हैं। जी दोस्तों, मेक माई ट्रिप और अन्य जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आराम से आप इस स्थान को बुक कर सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का नंबर भी उपलब्ध करा देता हूँ जहाँ से आप इसको आराम से बुक करा सकते हैं। और चार धाम यात्रा का सबसे प्रमुख यह स्थान होता है, तो इस स्थान पर रुकना, इस स्थान को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चार धाम यात्रा का यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों अभी हम हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के मुख्य मार्ग पर। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जिसको कहा जाता है कैंप निर्वना। तो हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, वो इस जगह के बारे में डिटेल बताएंगे और यहाँ के गंगोत्री और यमुनोत्री का डिस्टेंस भी बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमन सिंह स्वामी। सुमन भैया आप बताइए ये जगह कहाँ पर है? एक गंगनानी के, गंगनानी एक गाँव है, है ना। आपका जिला क्या है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से यमुनोत्री की दूरी कितनी है? यमुनोत्री के लिए 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। और गंगोत्री? गंगोत्री के लिए एग्रीगेट 200-250 किलोमीटर समथिंग यहाँ पर बता रहे हैं। और ये जगह भैया अगर आप कैंप में अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारा प्यारा यहाँ पर इस प्रकार से टेंट लगा है और टेंट के अंदर तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं। और यहाँ की अगर मैं खाने की बात करूँ तो वो खाना भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी खाना यहाँ पर मिलता है। आप जब भी गंगोत्री यमुनोत्री आएँ, इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें। ऑनलाइन बुक भी यहाँ पर आप करा सकते हैं और यहाँ आकर के यहाँ की चारों तरफ की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को आप निहारें, निश्चित तौर पर आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू भाई साहब। बताइए यहाँ पर भीड़ कब रहती है? मई से नवंबर तक। तो बाकी बताया जाता है कि 6 महीने ही यहाँ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, तो उसी टाइम यहाँ पर भीड़ रहती है, बाकी टाइम भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहता। ओके थैंक यू। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।